घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया था। अब गृह मंत्री मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में करीब 10,000 जवान तैनात किए हैं। इधर पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट यानी कि JKPM के अध्यक्ष शाह फैसल ने घाटी में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती पर चिंता जताई है। शाह फैसल ने कहा है कि इस बात की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। शाह फैसल ने ट्वीट कर कहा कि घाटी में अचानक सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती क्यों हो रही है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। क्या ये अनुच्छेद 25A को लेकर है? गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसके मुताबिक घाटी में CRPF की 50, BSF की 10, SSB की 30, ITBP की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। आतंकवादी 15 अगस्त या उसके आसपास आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, इसके कारण यहाँ पर इतने सुरक्षा बलों का तैनात किया जा रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.